हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज में वो कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में जब भी किसी मोटर को DOL स्टार्टिंग के थ्रू चलाया जाता है, तो DOL स्टार्टर का सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि DOL स्टार्टर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करके देता है। पर यही उसका एक डिसएडवांटेज भी है। जब भी आपकी मोटर में, जब भी आपके ड्राइव में, आपके पूरे सिस्टम में हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसके साथ आपके सिस्टम में जर्क भी प्रोड्यूस होता है। अब अगर आपने एक चेन ड्राइव लगा रखी है और अगर आप बार बार मोटर को ऑन ऑफ करते हैं, तो बार बार आपके सिस्टम में जर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो DOL स्टार्टर है वो जब हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो उस टॉर्क के साथ आपके सिस्टम में जर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब ये बार बार जर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसके वजह से आपकी जो चेन ड्राइव है उसमें वेयर एंड टेयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है वो चेन ड्राइव बार बार टूटने भी लगे, तो अब आपको चेन रिप्लेस करना पड़ेगा, चेन का बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग खासकर चेन ड्राइव में या जहां पर भी ऐसे एप्लीकेशंस है जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क के वजह से जर्क प्रोड्यूस होने के वजह से वियर एंड टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी जगहों पर हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि सॉफ्ट स्टार्टर को यूज करने से ये जर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है। तो देखिए, सॉफ्ट स्टार्टर बेसिकली एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है, जिसका मेन काम होता है किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी मोटर को स्मूथ एक्सीलरेशन और स्मूथ डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना। यहाँ दोस्तों, हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि सिस्टम में जो बार बार जर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस जर्क को अगर आप किसी तरीके से एलिमिनेट कर पाए, तो जर्क के वजह से जो बाकी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको भी आप एलिमिनेट कर सकेंगे। तो यहाँ बेसिकली हमें ये समझना है कि सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करके सिस्टम में जो जर्क प्रोड्यूस होता है, उस जर्क को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी कि DOL स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये टॉर्क ही आपके सिस्टम में जर्क प्रोड्यूस करता है। तो टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, तो अगर आप इस हाई स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल कर पाए, तो आप उस टॉर्क के वजह से होने वाले जर्क को भी कंट्रोल कर लेंगे। अब यहां सवाल ये आएगा कि सॉफ्ट स्टार्टर में टॉर्क को कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि टॉर्क को कंट्रोल करके ही आप जर्क को कंट्रोल कर रहे हो, जर्क को एलिमिनेट कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सॉफ्ट स्टार्टर एक रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है, इसका मतलब यह है कि जब भी आपकी मोटर स्टार्ट होती है, तो आपके मोटर को फुल लाइन वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। जैसे DOL स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, DOL स्टार्टर का मतलब ही होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, मतलब आपके मोटर के जो स्टेटर टर्मिनल है उसमें फुल 415 वोल्ट हम लोग स्टार्टिंग में अप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर में स्टेटर टर्मिनल पे फुल 415 वोल्ट अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि ये रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है। तो बेसिकली हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें जर्क को कंट्रोल करना है। हमें ये चीज समझ में आ गई कि जर्क को कंट्रोल करने के लिए टॉर्क को कंट्रोल करना पड़ेगा, और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ताकि आप टॉर्क को इजिली कंट्रोल कर पाए। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि सॉफ्ट स्टार्टर वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर रहा है, जिसके वजह से हम टॉर्क को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी सॉफ्ट स्टार्टर का बेसिक डायग्राम देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्ट स्टार्टर में दो सेट ऑफ SCR लगे रहते हैं, जो एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं। अब ये जो SCR होते हैं, ये फायरिंग पल्स को कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो ये फायरिंग एंगल क्या होता है, फायरिंग पल्स क्या होता है, ये चीज आप इजीली समझ पाएंगे। पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, इनमें नॉर्मली फायरिंग एंगल और फायरिंग पल्स से ही चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो जो सॉफ्ट स्टार्टर है, सॉफ्ट स्टार्टर भी फायरिंग पल्स को कंट्रोल करता है वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, और वोल्टेज को कंट्रोल करके हम लोग टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। और जब टॉर्क आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो सिस्टम में जो जर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस जर्क को भी आप कंट्रोल कर पाते हो। यहाँ दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर इस फायरिंग पल्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो फायरिंग पल्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर में माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। इस माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है फायरिंग पल्स को कंट्रोल करना। तो अब इस पूरी चेन को आप कनेक्ट कीजिए। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमें जर्क को एलिमिनेट करना है, ताकि हमारी चेन ड्राइव में जो बार बार वेयर एंड टेयर हो रहे हैं या चेन बार बार टूट रही है, इस कंडीशन को हम अवॉइड कर पाए। तो जर्क को कंट्रोल करने के लिए हमने टॉर्क को कंट्रोल किया, टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हमने वोल्टेज को कंट्रोल किया,
वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमने फायरिंग पल्स को कंट्रोल किया है, और फायरिंग पल्स को कंट्रोल करने के लिए हमने कंट्रोलर सॉफ्ट स्टार्टर में लगा रखा है। तो इस तरीके से सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करके सिस्टम में जो रियल वियर एंड टियर होते हैं, जो जर्क प्रोड्यूस होते हैं, जिसके वजह से बार बार ब्रेकडाउन आते हैं, इन कंडीशंस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो इन चीजों को लेकर प्रोन होती है, वहां पर अगर आप सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हो तो वियर एंड टियर होने के जो चांसेस है उसे आप एलिमिनेट कर देंगे, जर्क प्रोड्यूस होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसे भी आप पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर के पॉइंट्स थे, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान में रखिए, सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इन सभी तरीके के सवालों के लिए इन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।